देखो देखो देखो, एक हल्दी जो नहाना नहीं चाहती वो पहले ही नाली में घुस गई। ये देखिए दोस्तों, काम बन रहा है, काम बन रहा है। दोस्तों आज हम धुलते हैं हल्दी और इसी बहाने आपको अपना किचन गार्डन भी दिखाते हैं। दोस्तों इस काम को अंजाम देने के लिए हमें कुछ हथियारों की भी जरूरत पड़ेगी, जो कुछ इस तरह से इधर ये है, जो कुछ इस तरीके से मिलेंगे। एक हथियार तो ये है जो बहुत काम आता है हर माताओं के, और आजकल तो हर तो बीवियां उस बेलन से पिटाई करते हैं अपने पति की। दोस्तों ये पानी भरा जा रहा है, दोस्तों ये पानी भरा जा रहा है। मेरे हिसाब से दोस्तों इतना पानी बहुत होगा। हल्दी को हम धुल देंगे, दोस्तों लाइट बंद करने बहुत जरूरी है। इस पानी को हम लेके चलेंगे, ये हमारा स्कूटर, कैसा रंग बिरंगा शानदार स्कूटर है। पानी तो आ गया लेकिन हमारा हथियार तो छूट ही गया। दोस्तों यहां पर से वो हल्दी निकली, हल्दी ये रही, मैं आपको हल्दी दिखाता हूं। कुछ इस तरीके से है हल्दी। हल्दी से याद आती है कहावत, बंदर को दी हल्दी उसने अपने मुंह में मल दी। अरे अरे ये क्या टूट गया, हम संभाल देते हैं, इसके साथ ये काम आएगा। हमारे कुछ और हथियार भी हैं दोस्तों। अच्छा आज ये नींबू का पेड़ लगाया गया है, पिछले साल ये पपीते का पेड़ लगाया था, ये अशोक का पेड़। दोस्तों मैं आपको अपने आज पौधे दिखाई देता हूँ। ये बैगन का पेड़ जिसमें एक छोटा बैगन लटक भी रहा है, ये एलोवेरा का पेड़, ये आंवले का पेड़, ये एक बार पपीते का पेड़, कुछ मुरझाए हुए फूल, एक मुरझाया हुआ फूल और इस तरफ फिर से ये पौधे, ये एक और पौधा जो ऐसा दिखता है। अभी दोस्तों ये कुछ पौधे हैं जो लगाने बाकी हैं, जैसे कि चीकू के, ये जाएंगे शून्यम फार्म में। हमारा एक जगह है जिसे हमने शून्यम फार्म बनाया है। ये नींबू के कुछ पौधे, तो ये हल्दी जो है आज इस जगह से निकली, मैं आपको वो जगह भी दिखा देता हूँ। ये हल्दी जो है इस जगह से निकली जहां पे हमने आज चीकू के पौधे लगा दिए, कुछ इस तरह। अब चीकू होंगे, चीकू खाएंगे। दोस्तों आप अपने घर में कभी ये पौधे मत लगाना, वरना आपको भी फिर मेरी तरह चीकू खाने पड़ेंगे, मेरी तरह ये बैगन खाने पड़ेंगे, मेरी तरह ये ताजी मिर्च खानी पड़ेगी। दोस्तों बहुत बेकार है ये ताजा खाना खाना, गलती से भी मत लगा देना। हमारा हथियार तो कहीं छूट ही गया, शायद ऊपर रह गया, हम ऊपर से लेके आते हैं। दोस्तों ऊपर तो नहीं दिख रहा है, लेकिन ऊपर हमें एक चीज और दिखी। तो ऊपर हमें बंदर मिला, जिससे हमें फिर से एक कहावत याद आई, बंदर को दी हल्दी उसने मुंह में मल दी। तो दोस्तों इसको हम मास्क लगा देते हैं ऐसे, और फिर अपना हथियार ढूंढने चलते हैं। कहाँ से ले गया यार? ये देखो दोस्तों, हमने यहां से एक हथियार उठाया और दूसरा हथियार यहीं छोड़ दिया। आपकी गलती कभी मत करना, बहुत भारी। अब देखो दोस्तों इसकी धुलाई किस तरीके से हम करते हैं। इसको इसमें डाल दो। अब देखो एक ये भी देखो दोस्तों, आजकल ये बीमारी बहुत हो गई, एक हाथ पे फोन और दूसरे हाथ से काम। इस फोन को हम कहीं अटका देते हैं। जरा हाथों को ऊपर कर देते हैं, इसका एंगल ही चेंज करते हैं सबसे पहले तो।
दोस्तों ये हल्दी नहाने को तैयार हो गई। हम तो इस सर्दी में नहाते नहीं, लेकिन हल्दी देखो देखो देखो, एक हल्दी जो नहाना नहीं चाहती वो पहले ही नाली में घुस गई। इसको भी हम नहला के रखेंगे। चल इधर। अरे दोस्तों बारिश भी होने लग गई और हमारा जो काम है, दोस्तों हल्दी को अब नहाते हुए शर्म आ रही है। मैं कैमरा जरा उधर करता हूँ और इसे अब दोनों हाथों से नहला देता हूँ। दोस्तों धुलते धुलते एक खुलासा और हुआ है कि ये सिर्फ हल्दी नहीं, इसमें अदरक भी है। ये देखें, वाह। तो दोस्तों इससे ये पता चलता है कि किसी चीज को जब रगड़ दो तो ही पता चलता है उसमें है क्या। दोस्तों हमारा सारा पानी तो खत्म हो गया और हल्दी ये भी पूरी धुली भी नहीं, तो हमें अपना तरीका ये फ्लॉप लग रहा है। अब हम इसको दोस्तों नए तरीके से धुलेंगे। अब इसे हम नल के नीचे ही लेके जाते हैं। ये काम ही गलत कर दिया हमने जो अभी करा, अब सही तरीका अपनाते हैं। अब देखिए दोस्तों हमारा तरीका नंबर दो, ये इस तरीके से हाथ भी धुल जाएगा। दोस्तों ये तरीका मुझे ज्यादा, ये देखिए दोस्तों ये निकली मिट्टी, ये दोस्तों ये है, दोस्तों आप काम बनाए। ये देखिए दोस्तों काम बन रहा है, काम बन रहा है। बस हमें यही कर बनाना पड़ेगा। दोस्तों हल्दी अब जाकर अच्छे से नहाई, हमने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया था। इससे पहले सब बर्बाद हो गया दोस्तों, सब बर्बाद हो गया। लेकिन हमें एक सबक मिला कि जब आपके पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी हो तो पुराने जमाने की चीजों को छोड़ देना चाहिए। ये देखा दोस्तों सारी, अरे हल्दी गिर गई, अदरक। ये है तरीका दोस्तों, ये है तरीका। चलो देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों अब कम मेहनत में ये हल्दी धुल चुकी है, वरना हमारी आफत आ गई थी। बाल्टी बढ़ते बढ़ते और ले जाते। अब देखो दोस्तों ये ऑटोमेटिक धुल रही है। ये देखो दोस्तों अदरक भी है इसमें। हाँ हमारे नहीं, मुझे पता था यार। हाँ दोस्तों हल्दी जो है नहा गई। अब हल्दी सोचती है कि धूप होती तो आज सूख भी जाती, पर अब सूखेगी धीरे धीरे। पर इसने आज एक जंग तो जीत ही ली सर्दी में नहाने की। वाह वाह वाह।